तो भारतीय जनता पार्टी का मिशन राजस्थान जारी है और इस दौरान उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया से बातचीत कर रहे हैं सहयोगी दलित वंचित शोषित सब लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरीके की पॉपुलिस्टिक चीजें जनता को ट्रैप में नहीं ले पाएंगी। आपके सैटायर बड़ी चर्चा में रहते हैं, एक सैटायर में यहाँ पर जानना चाहूंगा, बीकानेर की एक बयानबाजी हो रही है जिसमें बीडी कल्ला कह रहे हैं कि मैं तो अभी भी चुनाव लड़ूंगा, उधर लोकेश शर्मा सीएम के ओएसडी भी ताल ठोके हुए हैं, आज इंटरव्यू भी उनका चल रहा है मीडिया में, कांग्रेस की ये स्थिति? देखिए, कांग्रेस में ऐसा लग रहा है कि वहाँ चुनाव लड़ने वालों का टोटा पड़ गया, तो मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाला कर्मचारी भी यदि ये सपने देखे कि बीडी कल्ला जैसे कद्दावर आदमी के सामने इस तरीके से, तो मुझे लगता है कांग्रेस के भीतर की जो अनुशासन की स्थिति है वो भी ख़त्म हुई है और लोगों में महत्वाकांक्षी लोगों की एक भीड़ पैदा हो गई और इसलिए वहाँ मर्यादाएं का लंघन भी हो गया। बाकी तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है, लेकिन ये भी हिम्मत का ही काम है कोई आदमी डूबते जहाज में चुनाव लड़ने की सोचता हो। तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया से हमने खास बातचीत की है। कल उदयपुर में सतीश पूनिया अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। नरेंद्र के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, भरतपुर।